हरियाणा कांग्रेस की बात होगी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर नई नियुक्तियां की गई है। नए इंचार्ज की लिस्ट दरअसल जारी की गई है। जिला ब्लॉक स्तर पर इंचार्ज कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। पार्टी की ओर से लिस्ट जारी की गई है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। विधायकों पूर्व मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। किरण चौधरी के क्षेत्र की बात करें तो कैरू और तोशाम में कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया, ये भी अपने आप में बड़ी बात। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लिस्ट आ गई है। विधायकों पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तोशाम में हालांकि कोई किसी भी नेता की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। चलिए, रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, लिस्ट हम देख रहे हैं जिसमें विधायकों पूर्व मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है दरअसल, और तोशाम की बात करें तो किसी भी नेता की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है। तोशाम के नाम के आगे स्पेस छोड़ दिया गया है, कह लें कि ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, जिस तरह से किरण चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की आज नई नियुक्तियां की हैं। इसमें चौधरी उदयवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस, उनकी तरफ से ब्लॉक इंचार्ज कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहली बात अगर बात की जाए तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए गए हैं। ये तीन तरह की नियुक्ति जो है आज देखने को मिली है कांग्रेस में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें तमाम जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र है उसमें दो ब्लॉक्स आते हैं, कैरू ब्लॉक और तोशाम ब्लॉक। इन दोनों ही ब्लॉक्स में जो है कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है वो नहीं बनाया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की वो जरूर बनाई गई, क्योंकि तोशाम जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी अगर बात की जाए तो तोशाम और कैरू ब्लॉक में कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया। बिल्कुल, भिवानी की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज में रावदान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। रवि, बिल्कुल, देखिए रावदान सिंह को बिल्कुल नियुक्ति दी गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की बात की जाए तो रावदान सिंह जो है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान भिवानी के रहने वाले हैं। और जिस प्रकार से ज्योति लगातार आपसी जो बयानबाजी जो किरण चौधरी है और प्रदेश अध्यक्ष उदयवान है उनको उनके समक्ष देखने को मिल रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज जो है वो दर्शाती है। एक एकता की बात जरूर की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं एक है, कांग्रेस एक है, और इस प्रकार की चीजें रह रहकर जो है बार बार जो है सामने आती हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो जो फूट है उसको उजागर करना कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जानबूझ कर ये जो दो ब्लॉक हैं वो छोड़े गए हैं, तो इसके मायने सीधे से हैं। तो आपसी जो सहमति है वो कहीं ना कहीं बनी नहीं है, और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पिछले आठ से नौ साल से जो जद्दोजहद कर रही है कि आपसी फूट जो है, आपसी कलह जो है वो खत्म हो, तो उसको ये तमाम जो चीजें हैं वो दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी की और प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की सीधी जो आपसी मनमुटाव है वो यहाँ सामने देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार केवल ढिंगरा जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अच्छी बात है कि पार्टी इस अभियान को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन आप समझाएं हमें कि कैरू और तोशाम को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं मिल पाए हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? किसको? कैरू की बात करें, तोशाम की बात करें, यानी तोशाम हल्के में किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, बाकी सभी ब्लॉक में लगा दी गई है। अभी तो शुरुआत है, ये शुरुआत चल रही है, लगातार लिस्टें बन रही है, लगातार सबकी लिस्टें आ जाएंगी, टोटल जो आरू की भी आ जाएंगी, कैरू की भी आ जाएंगी, सब जगह की आ जाएंगी। नहीं, बाकी तो केवल ढिंगरा जी लिस्ट मेरे पास है, बाकी जिलों की बात करें तो बाकी जिलों के अलग अलग ब्लॉक्स की आ चुकी है। तोशाम को और कैरू को छोड़ दिया गया कि जो तोशाम हल्के में आते हैं, बाकायदा नंबरिंग की गई है इनकी, 179 नंबर पर कैरू के, 180 नंबर पर तोशाम के, लेकिन आगे स्पेस छोड़ दिया गया कि कोई नाम नहीं है। इसके अलावा 178 नाम आ चुके हैं तमाम जिलों के। देखिए ऐसा है, जो फाइनल हो गई है वो आ गई है, बाकी की फाइनल हो जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी फाइनल होगी और सारी आएंगी टोटल, लेकिन अब किसी की जगह की फाइनल नहीं होगी तो वो नहीं आई होगी, अभी आ जाएगी, वो तो आज ही अभी लिस्ट आई है ना, तो सारी की सारी लिस्ट आएगी, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम का नाम भी अभी आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा।
तो केवल ढिंगरा जी, अभी क्या कारण रहा होगा कि बाकी सभी जगह की हो गई है और तोशाम में ऐसा क्या पेच फंसा कि तोशाम का नाम नहीं आया? नहीं देखिए, पेच की बात नहीं है, लिस्ट जारी होने की बात होती है। वहाँ की लिस्ट जहाँ की लिस्टें बन के वहाँ तक उनके पास पहुंची होगी वो फाइनल हो गई, जो नहीं पहुंची होगी वो भी आ जाएगी, उसमें क्या आज नहीं तो कल सुबह आ जाएगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं हरियाणा न्यूज पर कि कल सुबह तो शाम की लिस्ट भी, तो शाम की लिस्ट तो क्या मतलब नाम ही आना है? आ जाएगी वो, अभी अभी देखिए 2 महीने का अभियान है हमारा। हाँ जी, तो लिस्ट तो सारी जारी हो रही है ना, अभी 26 मार्च तक अभियान है, तो सारी लिस्टें बन रही है लगातार, उसकी क्रियान्वयन हो रहा है। तो आप 15 नामों को छोड़ के बाकी तो 180 नाम आ गए ना। अच्छा, 15 नामों को कह रहे हैं आप? नहीं मतलब टोटल 198 आप कह रहे हैं ना कि इसमें? नहीं, मेरे मेरे पास जो लिस्ट है ब्लॉक की हम बात करें तो 178 नाम आ चुके हैं जिसमें, और मैं जैसा देख रही हूँ ना केवल ढिंगरा जी, आप लोगों ने पंचकुला से शुरू किया के पंचकुला के, ठीक है उस जी, तो ये लिस्ट तो शाम समेत बाद में आएगी आप ये कह रहे हैं? जो नाम रह गए होंगे 198 नाम की लिस्ट आएगी ना पूरी। जी, लेकिन मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ ढिंगरा साहब, आप जानते हैं पहली बात तो आपकी बड़ी नेता हैं वहां से और उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी बहुत बार हम डिबेट भी करते हैं, आप रहते हैं। दूसरा, ये दो नाम, क्योंकि नाम तो लिख दिए गए हैं लेकिन आगे जिम्मेदारी किसे दी गई है इसको लेकर स्पेस छोड़ दिया गया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कौन सा स्पेस छोड़ दिया? स्पेस छोड़ दिया गया कि बाकी सबके सामने नाम लिखे गए हैं, कोऑर्डिनेटर कौन होगा? आप समझे नहीं, जब तक उसका नाम पर्सन का नाम फाइनल नहीं होगा तब तक लिस्ट कैसे जारी होगी? बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सभी लिस्ट जारी हो रही है, 178 हो रही है तो बाकी की रहती हुई भी जारी हो जाएगी, आज नहीं कल हो जाएगी, कल नहीं परसों हो जाएगी जारी, जल्दी ही जारी कर देंगे आप। जारी हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। और अच्छा, और ये कोऑर्डिनेटर है जी, उसके बाद ब्लॉक भी बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बन रहे हैं, पीसीसी भी बन रही है, वो भी लिस्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की भी हम लिस्ट दिखा रहे हैं, वो भी हो चुकी है। वहाँ भिवानी की बात करें तो रावदान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, आपको आपको ज्यादा जानकारी होगी। केवल ढिंगरा जी, आप एक जानकारी और आप दे दें कि पार्टी संगठन की लिस्ट कब तक आ जाएगी आप लोगों के? मैंने आपको बोला कि सारे के सारे जो है विद इन 4-5 डेज के अंदर सब जारी होने वाले, सारी लिस्ट जारी हो जाएगी ना, पीसीसी के अभी जनरल सेक्रेटरी सब लग जाएंगे, और ये सारी लिस्टें जारी हो रही है, ये इस मुतल्लिक है, इसलिए पहले हो गई है, वो थोड़ा सा हो सकता है देर में हो जाएगी। चलिए सारी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने वक्त दिया। तो शाम की जगह जो है वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, और ये बार बार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं आप जानते हैं, किरण चौधरी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके जो बयान हैं, जिस तरह की बातें वो काफी दिनों से, खासतौर पर आप आदमपुर बाय इलेक्शन के टाइम से देखें या उसके बाद से देखें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि रिलेट इसलिए भी की जा सकती है कि अब तोशाम का नाम तो लिखा जाता है लेकिन ब्लॉक इंचार्ज किसी को बनाया नहीं गया। हालांकि तोशाम हल्का भिवानी में आता है कि आप जानते हैं, रावदान सिंह को वहां जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के तौर पर, लेकिन ब्लॉक इंचार्ज किसी को नहीं बनाया गया। हालांकि केवल ढिंगरा ये कह रहे हैं कि जल्द ही तोशाम को लेकर, कैरू को लेकर भी लिस्ट आ जाएगी, देखना होगा कि लिस्ट आती है या फिर नहीं। दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के संगठन की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, यह भी कहा गया।